वेश्यावृत्ति जो कि आज तक मेरे ख्याल से तो जहां तक मैं जानती हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर भी देश का पीएम भी कह दे कि इस कोई लड़के से कि तुमने वेश्या से शादी करवानी है तो वो भी कभी नहीं करवाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई वेश्या से शादी करवा ले। लेकिन गुरु जी के मात्र एक बार कहने से और सैकड़ों लोग क्या कोई आम इंसान ही, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घरों के जो इज्जतदार घरानों से हैं, उन्होंने हाथ खड़े किए और संकल्प लिया कि हम वेश्याओं से शादी करवाएंगे और 17 वेश्याओं की शादियां हो चुकी हैं। नमस्कार, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं नेहा, आइए जानते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम नईम सिंह जी इंसा के बारे में, लोगों की क्या धारणा थी, क्या क्या मीडिया ने फैलाया और अब लोगों क्या सोचते हैं उनके बारे में, आइए जानते हैं लोगों से मिलकर। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम कांता इंसा है। हाँ जी, कब से जुड़े हुए हैं आप डेरा सच्चा? मैं 28 साल से जुड़ी हूँ, सन 92 से जुड़ी हूँ। मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है सारा, मेरी ससुराल, मेरा मायका, मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ, बेटे सब जुड़े हुए हैं। 28 साल से आप जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या मिला आपको 28 साल में जुड़कर वहाँ से? जो मैं बयान भी नहीं कर सकती, जो हमें मिला, जो खुशियाँ मिली, हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे, नेक रास्ते पे चले, बेटियाँ डिवोटी घरों में गई हैं, मालिक को मानने वाली हैं, नशों से दूर हैं दामाद, बेटे, और बहुत कुछ जो मिला वो मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। इस समय में जो हमारे परिवार जिस कंडीशन में है, जो हमें सतगुरु ने दिया, हमने उनको फॉलो किया, जो उन्होंने हमें बताया उनको फॉलो किया और हमें बहुत ही अनगिनत खुशियां मिली। हमें क्या सिखाया, क्या है गुरुजी ने, आपने 27 साल से आप जुड़े हुए हैं, आखिर कुछ तो शिक्षा आपसे मिली होगी, ऐसी क्या शिक्षा मिली है आपको? गुरुजी ने 134 मानवता की सेवा के कार्य चलाए और उनको हमने फॉलो किया, उनमें गरीब लड़कियों की शादियां करनी, गरीब बच्चों को पढ़ाना, ब्लड डोनेट करना, आइज डोनेट करना, आज तक हमने जब गुरु मंत्र लिया ना, उससे पहले हमें ये भी नहीं पता था कि आई डोनेट, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आईज डोनेट, शरीर का कोई भी अंग डोनेट करो ना, आगे जाके उनको मतलब वो अंग मिलता ही नहीं है, हमने तो यही सुना था उस टाइम तक। जब हमने गुरु जी से गुरु मंत्र लिया तो हमें यही प्रेरणा मिली उनसे कि ये सब मानवता की भलाई के कार्य, इनसे कुछ नहीं होता, इनसे जिनको, जिनके घरों में जिनको आंखें लगेगी, जो इस दुनिया को देखेंगे, सतगुरु के दर्शन करेंगे और जो खुशी तुम्हें मिलेगी ना, वो कहने सुनने से परे है। तो हमने फॉलो किया उन, जितना हो सकता था हमने फॉलो किया, उससे जो मानवता की भलाई के कार्य हैं वो सत्संगत सारी ने किए, हमने भी किए वो कार्य, तो उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। उन्होंने सुख दुआ समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए थर्ड जेंडर का दर्जा दिया और मुख्य धारा में उनको लाया। वेश्यावृत्ति जो कि आज तक मेरे ख्याल से तो जहां तक मैं जानती हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर भी देश का पीएम भी कह दे कि इस कोई लड़के से कि तुमने वेश्या से शादी करवानी है तो वो भी कभी नहीं करवाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई वेश्या से शादी करवा ले। लेकिन गुरु जी के मात्र एक बार कहने से और सैकड़ों लोग क्या कोई आम इंसान ही, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घरों के जो इज्जतदार घरानों से हैं, उन्होंने हाथ खड़े किए और संकल्प लिया कि हम वेश्याओं से शादी करवाएंगे और 17 वेश्याओं की शादियां हो चुकी हैं, जो कि शुभ देवी के नाम गुरु जी ने उनका रखा है और शुभ देवी जिनके घरों में भी गई हैं उनके घर में वारे न्यारे हो गए हैं और बहुत ही मतलब अच्छा माहौल है, अच्छा जीवन जी रही हैं, अच्छी जिंदगी, इज्जतदार जिंदगी जी रही हैं वो। और गुरु जी ने जो ब्लड डोनेट का हमें पावन प्रेरणा दी, लाखों यूनिट ब्लड लोगों ने दिया और हमें पहले तो यही पता नहीं था कि हम अपने परिवार का कोई बीमार हो ना, हम देने से कतराते कि खून नहीं देते हम किसी को, चाहे किसी की जान चली जाए। मान लो मेरा बेटा मेरे को कहा कि मम्मी मैंने फलाने को, मेरे दोस्त को ब्लड देना है, मैंने कहा नहीं बेटा ब्लड ब्लूड नहीं देना किसी को, ऐसे फालतू थोड़ी है हमारा ब्लड। लेकिन जब गुरु जी ने हमें प्रेरित किया ब्लड डोनेट के लिए, तो मैं क्या, मेरा परिवार क्या, हमने आश्रम में जब कैंप लगता, सैकड़ों लेडीज़ को और सैकड़ों जेंट्स को लाइनों में रोते हुए देखा कि हमारा नंबर कब लगेगा। हालांकि उम्र में 60 से ऊपर, जबकि गुरु जी का मतलब ये उन्होंने समझाया कि 50 साल के ऊपर नहीं दे सकता कोई ब्लड, लेकिन लेडीज़ जेंट्स रोने लग जाते कि हमारा ब्लड हो। ये सब गुरु जी की पावन प्रेरणा से संभव हुआ, नहीं तो इन बातों के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल हम तो
ज्ञानी थे। जब गुरुजी ने ये हमें शिक्षाएं दी, हम भी उसी मार्ग पे चले और चल रहे हैं, और जो 6 करोड़ फॉलोवर हैं सब ही चल रहे हैं, और मानवता की सेवा के कार्य भी पूरी तूफानी गति से चल रहे हैं। लेकिन बट जो समाज को जरूरत है इस टाइम गुरुजी की, चाहे मानवता की सेवा के कार्य चल रहे हैं, लेकिन समाज को जो जरूरत है, गुरुजी के जाने के बाद समाज में बुराइयां ज़्यादा फैल गई, नशा फैल गया ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे नशे के आदि हो चुके हैं। गुरुजी हर एक साल में कितनी बार सफाई अभियान चलाते थे, वो ना चलने से सफाई अभियान, कोरोना जैसी बीमारियां, भयंकर बीमारियां देश में फैल गई हैं। इसलिए जो भी मतलब पहले जो लोग सुधरे हुए थे, मतलब समाज अच्छा था, फॉलोवर तो अब भी पहले थे, सुधरे हुए संत जी ने सुधारा, लेकिन जो लोग नॉन डिवोटी थे वो भी मानते थे, इन बातों को सुनते थे, टीवी में सत्संग सुनते थे, लेकिन अब लोग थोड़ा सा समाज में बुराइयाँ ज़्यादा फैल रही हैं। इसलिए सरकार से हमारी अपील है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा कर किया जाए, ताकि समाज में जो बीमारियां फैली हैं, जो बुराइयां फैली हैं, जो नशे फैले हैं, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, वो दूर हो सके। क्योंकि गुरुजी जब भी सत्संग आए हफ्ते संडे को करते थे गुरुजी सत्संग, तो उसमें सैकड़ों लोग बीड़ियां जेबों से निकाल के, नशे निकाल के, और संकल्प लेते थे, उनको जलाते थे गुरुजी के सामने, और संकल्प लेते थे कि आज के बाद हम नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे। वो काम अब ठप हुआ पड़ा गुरुजी के जाने के बाद। अगर गुरुजी बाहर जल्दी आ जाते हैं तो ये वैसे की वैसे काम चलेगा, और देश में राम राज्य आएगा, देश का समाज स्वच्छ सुथरा बनेगा। और गुरुजी रूहानियत के संत तो हैं ही हैं, और बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। आज तक ऐसा समाज सुधारक हमने ना कहीं देखा ना सुना, जो गुरुजी ने हमें सिखाया, जो गुरुजी ने पाठ पढ़ाया। और मर्यादा का गुरुजी खास ध्यान रखते हैं, दरबार में आश्रम में कोई जाके देखे, कोई नॉन डिवोटी भी चला जाए वो भी देखे कि दरबार में जो मर्यादा का ध्यान रखा जाता है वो तो कहने सुनने से परे है। विदेशों से जो लोग आते हैं वो भी यही कहते हैं कि गुरुजी आपके दरबार में, आपके आश्रम में तो मर्यादा का तो कोई वो ही नहीं है, कोई सानी नहीं है, कहीं भी ऐसी मर्यादा हमने नहीं देखी। जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है, और खाने पीने का भी, नहाने धोने का भी। और मेन बात वहाँ पे जो सिखाई जाती है कि पर स्त्री को अपनी बहन के समान, बेटी के समान मानना है, शराब मांस अंडा नहीं खाना, और ये सब फॉलो कर रहे हैं जो मतलब साध संगत है, जो फॉलो रहे वो सब फॉलो कर रहे हैं इन बातों को। इसीलिए हम चाहते हैं कि गुरुजी के यहाँ ना रहने से जो कमी महसूस समाज को हो रही है, इस सिर्फ शहर को या हरियाणा को, स्टेट को या कंट्री को, इंडिया को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को इस टाइम गुरुजी की ज़रूरत है। आप कह रही थी कि आपकी बेटियां वहां से जुड़ी हुई हैं, क्या आपकी बेटियां सेफ हैं वहां पर? बहुत सेफ हैं, इतनी सेफ तो हम घर में भी उनको नहीं रख सकते जितनी वो आश्रम में सेफ हैं। मेरी बेटी इंग्लिश में एमए वहां हॉस्टल में रह के किया है, मेरे बेटे ने नॉन मेडिकल से वहां से साइंस में हॉस्टल में रह के पढ़ा, और वो आज अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी के मतलब सेरमंस हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो भी गुरुजी समझाते हैं। आप बात कर रहे थे मानवता भलाई की, क्या आप भी करते हैं मानवता भलाई के? कर रहे हैं जितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के करते हैं। और मैंने अपनी उम्र में, जब अब मैं 60 की हूँ, अब मेरा ब्लड लिया नहीं जाता, और मैंने जहाँ तक मेरे को ख्याल है कि मैंने 30 बार ब्लड डोनेट किया, 30 टाइम्स किया। और जैसे कितने वेलफेयर क्या चल रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं गुरुजी ने सिखाए हैं? गुरुजी 134 मानवता की सेवा के कार्य कर रहे हैं सारे, तो 134 तो गिनवाने बैठे तो टाइम बहुत लग जाएगा। बट जो मैंने मेन आपको मैं बताना चाहती हूँ, गुर्दा दान, अपना लीवर दान, बॉडी डोनेट, ब्लड डोनेट, आइज डोनेट, पूरी की पूरी बॉडी जब डोनेट कर दी तो उसमें सारे अंग आ गए उसमें। तो और भी जब जगह जगह पे स्कूल खोले गए हैं, निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाती है, शादियां गरीब लड़कियों की जाती हैं, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम किया जाता है। ये साथ संगत गुरुजी की पावन प्रेरणा से मिलजुल के सब काम करते हैं। और गुर्दा दान का मैं आपको अपना बताती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस खुद का है। मेरी बेटी को किडनी की दिक्कत थी, तो मेरे हस्बैंड बहुत विश्वास करते हैं गुरुजी पे, उन्होंने इतने डरपोक थे कि वो इंजेक्शन तक नहीं लगवाते थे। जहाँ एक बार मेरे को याद है, मैं उनको फीवर था, इंजेक्शन लगवाने गई, तो वो जब डॉक्टर ने इंजेक्शन भरा तो भाग के बाहर आ गए, कहते मैं नहीं लगवा सकता। लेकिन जब गुरुजी से जुड़े तो उन्होंने बेटी को एक मिनट में, जब डॉक्टर ने कहा कि इसका गुर्दा प्रत्यारोपण होगा, इनका मतलब ट्रांसप्लांट होगा गुर्दे का, तो एक मिनट में मैं पहले डॉक्टर को कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरा गुर्दा ले लो, मेरी बेटी को लगा दो,
तो डॉक्टर कहते हैं आपको शुगर है, आप बाहर हो, आप आउट हो, आप नहीं दे सकते। तो मेरे हस्बैंड बैठे थे, कहते क्यों पिता ने क्या, गुरु जी ने क्या बोला हुआ है कि गुर्दा दान करो, हमने तो फॉर्म भी भरे हैं, तो मैं गुर्दा दूंगा। मैंने कहा इतने डरपोक हैं, इंजेक्शन तो लगवा नहीं सकते, गुर्दा क्या देंगे। लेकिन गुरु जी की पावन प्रेरणा से ही उन्होंने 3 महीने आज हो गए गुर्दा दिया है, और मेरे हस्बैंड भी ठीक है, बेटी भी ठीक है, सब परिवार सब सही है। अच्छा, तो क्या समाज को जरूरत है गुरु जी की? बहुत ज्यादा जरूरत है, इतनी जरूरत है समाज को, क्या पूरे मतलब बच्चे बच्चे को, विश्व को, पूरी मतलब चाहे पशु पक्षी भी लगा लो, उनका भी भला गुरु जी करते हैं, उनका भी भला गुरु जी करते हैं और सिखाते हैं हमें कि उनका भी। और घर घर में देख लो गुरु जी की पावन प्रेरणा से, पानी के लिए गुरु जी ने बोल रखा है कि पक्षियों के लिए पानी की और खाने की व्यवस्था करो, और कोई घर ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा जो फॉलोवर हैं कि उनके घरों में बाहर गेटों पे पानी ना रखा हुआ हो, उनके खाने का इंतज़ाम पशु पक्षियों के लिए ना किया हुआ हो। तो ये सब गुरु जी ने बहुत सीखा, और इसी वजह से जरूरत है कि मेन बात ये है कि नशे से समाज दूर हो जाएगा, नशा हट जाएगा, क्योंकि गुरु जी हर सत्संग पे नशा छुड़वाते हैं लाखों लोगों का, सैकड़ों लोगों का, और नशा छुड़वाना ही, बुराइयाँ छुड़वाना ही गुरु जी का मेन एम है, और इसीलिए ही उन्होंने इस उस पर लिया है। हालांकि जब गुरु जी को मतलब आरोप लगे, एलिगेशन लगे, तो सब निराधार हैं, झूठ है, कोई भी इनमें सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट या फिर नशा माफिया जिनके काम धंधे बिजनेस रुक गया, उन्होंने ही ऐसा किया है कि अगर ये इसी हिसाब से नशे छुड़वाते रहे, इनके फॉलोअर इनको मानते रहे, ये हर हफ्ते में हर सप्ताह में सैकड़ों लोगों को नामधाम देके और नशे छुड़वा देते हैं, तो हमारे बिजनेस ठप हो जाएंगे। तो ये इतना ऊंचा जा रहे हैं, इनका वोट बैंक उनको ये था कि ये शायद राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, हालांकि गुरु जी का राजनीति से कोई भी वास्ता लेना देना नहीं है। गुरु जी ठोक बजा के सत्संग में लाखों लोगों के सामने ये कहते हैं कि हमने राजनीति में ना कभी थे, ना है, ना कभी हम आएंगे राजनीति में। लेकिन उनके यही वहम था कि अगर ये राजनीति में आते हैं तो इनको, इनका प्रधानमंत्री भी ये बन जाएंगे, मुख्यमंत्री भी ये बन जाएंगे, तो राजनीति तो सारा इनका ही राज हो जाएगा। और नशा माफिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनके बिजनेस ठप होते थे, करोड़ों का, अरबों का उनका नुकसान होता है, इसी वजह से एलिगेशन लगे, और इसी वजह से, और जो पब्लिक है, जो हम हैं फॉलोवर हैं 6 करोड़, वो तो विश्वासी हैं, या उनको तो ये है कि 100% गुरुजी सच्चे हैं, कोई उन पे मतलब बिल्कुल निराधार हैं आरोप जो लगे हैं। लेकिन जो नॉन डिवोटी हैं उनके मुंह से भी हमने यही सुना है कि ये टीवी वाले सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने के लिए मीडिया वाले ऐसा कर रहे हैं, बाकी इसमें सच्चाई नहीं है, और पब्लिक भी नहीं मान रही इस बात को। हमें खुद आके बताते हैं जो नॉन डिवोटी हैं कि ये सिर्फ मीडिया वाले अपनी TRP बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी गुरुजी तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, जहां भी हम जाते हैं हम तो गुरुजी की वही सुनते हैं कि गुरुजी बहुत अच्छे समाज सुधारक हैं। तो आप ये सब कार्य देखने के बाद ऐसी आपका विश्वास है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से? बहुत जल्दी और बहुत जरूरी आना चाहिए, क्योंकि समाज को इस टाइम बहुत जरूरत है, क्योंकि जो भयानक बीमारियां चली हुई हैं, आप सुन रहे हो सभी बच्चे बच्चे के मुंह पे कोरोना 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 है, सो 7 महीने से काम धंधे बिजनेस ठप हुए पड़े हैं, तो ये सब सफाई ना होने की वजह से, या नशे करने से, या बुराइयों से, ये सब गुरु जी जो सफाई स्वच्छता सिखाते थे वो अब इस टाइम गुरु जी हमारे बीच में नहीं है। हमें हर समय वही प्रेरित करते थे कि सफाई रखो, अपनी भी, अपने पड़ोस में भी, आसपास में भी, बीमारियों से बचो, डिस्टेंस में रहो। ये तो अब कोरोना में तो डॉक्टर्स ने, सरकारों ने अब बताया कि डिस्टेंस रखो और मास्क लगाओ, और गुरु जी ने हालांकि बहुत पहले हमें बता दिया था ये बात कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जरूरी है, और अपना नाक मुंह ढक के रखो, तो गुरु जी ने तो ये पहले ही बता दिया था। और नशे, नशों के लिए तो बहुत सख्त जरूरत है, जो नशे बहुत ज़्यादा हर जगह पे, छोटे छोटे बच्चे भयंकर नशे कर रहे हैं, जुराबे सूंघते हैं, ब्रेडों में नशा, पता नहीं क्या क्या सुनने में आता है, और जो रेप लड़कियों के हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो सब रोकने के लिए गुरु जी हमें प्रेरित करें। उसी के लिए ही गुरु जी को हम सरकार से ये आह्वान करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरु जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि समाज में राम राज्य आए, समाज में अच्छाइयाँ हो, बुराइयाँ खत्म हो समाज में। तो देखिए, हमने लोगों के बीच में जाकर जाना कि उनकी क्या सोच है गुरु जी के बारे में। ऐसे आपको कैसे लगे इनके विचार,
लोगों के बीच में जाकर असलियत बिल्कुल फैक्ट आपको दिखा रहे हैं। तो आपको ये फैक्ट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से।